हेलो फ्रेंड, कैसे हो? टेक्निक लेल पॉइंट होगा और फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं, यदि आप यूज़ करते हैं ओप्पो का, रियलमी का या वन प्लस का डिवाइस और उसके अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब जो मोड होता है वो ऑटोमेटिक ऑन होता है, तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये मुझे कमेंट देखने को मिल रहा है, रियलमी 8 प्रो, रियलमी 7 प्रो, रियलमी 6 हो गया, रियलमी 5 है एंड ओप्पो के कुछ डिवाइसेस के बारे में एंड वन प्लस नोट 2 के बारे में। तो डोंट वरी, आपके पास कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपके यदि DND मोड ऑटोमेटिकली इनेबल होता है तो उसको आप इजीली फिक्स कर पाओगे। यहाँ पर देखिए, ये मैं साइड में आता हूँ और इसमें DND मोड आपको दिखा देता हूँ। ऊपर देखिए, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड ये ऑन करने के लिए बोल रहा है। आपके पास कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, यदि ऑटोमेटिकली ऑन होता है, चाहे आपके पास ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी जो भी डिवाइस हो, लेकिन आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे कोई भी मॉडल क्यों ना हो। तो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। सभी की सेटिंग सेम होने वाली, जो DND मोड की सेटिंग है वो सभी मोबाइल की सेम होने वाली है। तो आप वीडियो को केवल 2 मिनट का टाइम निकाल कर लास्ट तक देख लीजिए, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। स्क्रॉल करना है, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे सभी मोबाइल्स के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है गूगल नाम से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यूजर अकाउंट एंड हाइपटैप क्लाउड जो है, इसके नीचे आपको गूगल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और ये जो गाइस गूगल का ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है। मैंने सभी मोबाइल चेक किए हैं, एक एक के सभी के वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि हो सकता है यूट्यूब इस चीज़ को अलाउ नहीं करे। इस वजह से मैं इस वीडियो में सभी डिवाइसेस को कवर कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी मॉडल क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखिए, ये गूगल जो लिखा हुआ है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है उससे ऊपर लिखा हुआ, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो गाइस, ये जो गूगल लिखा हुआ है इस पर आपको सिंपली टैप करना है, और इस पर जैसे आप टैप करोगे आपके पास कोई भी मोबाइल हो, ये विंडो आपका सेम ओपन होगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पर्सनल सेफ्टी नाम से, जो पर्सनल कंट्रोल पर्सनल सेफ्टी इसमें आई है। और ये जो आपके साइलेंट नोटिफिकेशन विल ड्राइविंग, ये आपके ओन होगा, तो सिंपली गाइस आपको इसको डिसेबल कर देना है। आपके पास कोई भी मोबाइल क्यों ना हो, आपको सिंपली ये जो है पर्सनल सेफ्टी में जाना है और साइलेंट नोटिफिकेशन जो है इसको आपको ड्राइविंग वाला इसको ऑफ कर देना है। और जैसे गाइस आप इसको ऑफ कर देते हो, आपके पास कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, जैसे आप ड्राइविंग करोगे, कुछ भी करोगे, आपका DND मोड ऑटोमेटिकली से इनेबल नहीं होगा, चाहे आपके पास कोई भी डिवाइस क्यों ना हो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद। अपना